पूरी कार डैम्पिंग हुआ है, फुल डैम्पिंग है कार, फुल डैम्पिंग, डोर फ्लोर छत डिक्की बोनट सब दिखाते हैं आपको। डैम्पिंग 17 इंची अलॉय इसके अंदर है ना, हैंडल पेंट पे गया हुआ है हमारा, साइड मिरर पेंट पे गया हुआ है, इसके अंदर बग डिफ्लेक्टर भी डलने वाला है, देख सकते हो कोई इसके अंदर फोम नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ये लेमिनेशन वाली सीट कवर है, तो अभी इसका प्रोसेस दिखाएंगे जो ये फोम लगने के लिए पूरे बम्पर निकाला जाता है। अभी यहाँ पे आपको कपलर भी हम दिखाएंगे, सेंसर LED इसमें हो चुके हैं, बाकी LED सेटअप करा हुआ है। एक बार ब्राइटनेस दिखाते हैं इसकी, तो ये ब्राइटनेस रहने वाली, ठीक है। साइड लुक से आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये Z2 थी, तो क्रोम अपना इंस्टॉल हो चुका है जो हमने दिखाया था, हमने ये वाला हैंडल आपको ठीक है, सॉफ्ट टच ग्रैब हैंडल ही तो मेन है, सेंटर कंसोल अपना ये भी हमने इंस्टॉल करा, तो हमारी सॉफ्ट टच की क्वालिटी देख सकते हैं, तो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैमरा इंस्टॉल करा हुआ, काम था नीचे मैटिंग हमने जो करी हुई है वो ब्राउन ही करी हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जे ऑटो रामा रोड लगाने के लिए छत पे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। रूफ रेल इंस्टॉल होगा इसके अंदर, बाकी रूफ रेल के इंस्टॉलेशन खोला हुआ छत अभी, हाँ छत खुल के ही लगता है, इसके अंदर भी दिखाता हूँ। एक हमारा Z2 में लग चुका है, ठीक है, एक Z2 वहाँ भी खड़ी है, वो लग चुका है, एक हमारे Z2 में लग गया, फुटर से भी लगना है, अलॉय लगना है, ये वाली रहने वाली है, हाँ ठीक है। ये तो पूरी कार डैम्पिंग हुआ है, फुल डैम्पिंग है कार, फुल डैम्पिंग, डोर फ्लोर छत डिक्की बोनट सब दिखाते हैं आपको। डैम्पिंग फुल बॉडी डैम्पिंग करी हुई है हमने, पूरी नॉइज प्रूफ करी हुआ है, ठीक है। तो पूरी इसके इसमें रूफ रेल लग चुकी है पहले, हाँ इसमें रूफ रेल लग चुका है, उसके बाद डैम्प करी है, हाँ ठीक है। तो आज इसमें क्या क्या काम होने वाला है? टोटली है सारे काम हो, हाँ इसके अंदर अपना डैम्पिंग इसलिए किया गया है, या तो बारिश अगर तेज़ आ रहा हो तो हमारे छत से साउंड नहीं आएगा, हीट ज़्यादा नहीं करेगा गाड़ी, हमारी AC की क्वालिटी अच्छा रहेगा इसके अंदर, फिर एक नॉइज नहीं आएगा ज़मीन में, अगर हम हाईवे पे चल भी रहे तो नीचे से साउंड नहीं आएगा, बेसिकली साउंड प्रूफ, हाँ साउंड प्रूफ हो जाता है गाड़ी, अगर हमारी चलती भी हो तो गाड़ी के वाइब्रेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो डैम्पिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं अभी? डैम्पिंग के अलावा इसके अंदर हमारा सीट कवर लगना है, अंदर पूरी इंटीरियर पियानो सिल्वर जो भी किट है वो होने वाला है, ठीक है। बाहर का हमारा टोटली क्रोम रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी अपने ये लोअर गार्निश लग चुका है, सी गार्निश अभी लगना है इसके अंदर, रूफ रेल्स हमारा लग गया, इसमें फुटरेज जो आफ्टर मार्केट लगने वाला है, आफ्टर मार्केट लगेगा, महिंद्रा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से रेकमेंड क्या है महिंद्रा? देखता हूँ, पहली बार मंगवाया हूँ, ठीक है, टेस्ट करते हैं, देखता हूँ, टेस्ट करने के बाद बताऊँगा वो कैसे रहने वाला है, वीडियो के एंड में मैं उसका क्लियर कर दूंगा कि सही है या क्या, ठीक है। बाकी अलॉयज वगैरह 17 इंची अलॉयज के अंदर है ना, हैंडल पेंट पे गया हुआ है हमारा, साइड मिरर पेंट पे गया हुआ है, ठीक है। इसमें वो RVM एडजस्टमेंट वाली नहीं है, सिर्फ कवर पेंट है, ठीक है, सिर्फ कवर पेंट कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन अपने पास है, हाँ। फॉग लाइट इसके अंदर हमारा लग चुका है, फ्रंट से दिखाते हैं एक बार, फ्रंट में ग्रिल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी अभी, ग्रिल क्रोम इसमें डलेगा, ऊपर वाली अभी है नहीं स्टॉक, ठीक है। तो अभी ये रिंग लगा करके देंगे, ऊपर वाला पार्ट्स जब भी आएगा हम इनको कुरियर कर देंगे, LED इसमें लग चुका है, इसके अंदर बग डिफ्लेक्टर भी डलने वाला है, ठीक है, ये भी अपने पास अवेलेबल है, हाँ ठीक है। तो अभी इंस्टॉल करेंगे इसे, ये बिफोर लुक है, अब इंस्टॉल करने के बाद लुक ये देखो, इंस्टॉल करने के बाद लुक जो आएगा इस तरीके से आएगा कुछ निकल के, ठीक है। ये पेस्टिंग होता है नॉर्मल, हाँ पेस्टिंग होता है, तो लगने के बाद एक बार लुक दिखाएंगे। बाकी ऑप्शन है ZADL वाली हेडलैम्प्स का भी, हाँ है, बट इनको चाहिए था रोशनी, ठीक है, रोशनी क्वालिटी तो हमारी LED सेटअप पे ही आते हैं, ठीक है। अगर हमें टॉप मॉडल का लुक चाहिए तो सिर्फ लुक के लिए होता है, सिक्वेंशियल इंडिकेटर और प्रोजेक्टर के लिए टॉप मॉडल के हेडलाइट डाला जाता है, कॉस्ट तो महंगा आता है बट उसके अंदर क्वालिटी रोशनी नहीं आती, ठीक है। तो हमारा LED सेटअप ज़्यादा बेटर रहता है, हाँ। और जो सीट कवर लग रहा है, सीट कवर की फिटिंग में दिखाता हूँ, एक मिनट, सीट कवर की फिटिंग देख लो, ये सीट कवर की फिटिंग हमारा जो चेक कर सकते हो कैसी रहने वाला है, ठीक है। सीट कवर की क्वालिटी आपको दिखाता हूं, यही वाला लगा पूरा हमारा लेमिनेशन वाला सीट कवर है, ये देख सकते हो कोई इसके अंदर फोम नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ये लेमिनेशन वाली सीट कवर है, लेमिनेशन वाली, टोटल लेमिनेशन वाली सीट कवर है, देख सकते हो टोटल लेमिनेशन वाली सीट कवर है, फोम अलग से कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। प्रॉपर कस्टमाइज करते हैं, हां प्रॉपर कस्टमाइज है, ठीक है। तो सेम दिखने वाला जो महिंद्रा देती है वैसे ये टॉप में जो होता है, जो टॉप वेरिएंट के अंदर, हाँ टॉप वेरिएंट में जो होता है वो वाला, ओके। तो बाकी अभी इसके अंदर जो लग रहा है ये आपको दिखेगा बिल्कुल सेम धागा, इसके अंदर हमारा जो हाईलाइट सिल्वर धागा का है,
ठीक है, सिल्वर थ्रेड का डिफरेंस है। हाँ, थ्रेड का डिफरेंस इसमें देख सकते हैं, इसमें वो वाइट थ्रेड नहीं दिखेगी, इसमें दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, जो सा भी आप लगवाना चाहते हो लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट में फॉग लैंप अपने लग चुके हैं, स्किड प्लेट पेंट हुई है अभी, स्किड पेंट हो गया, साइड में भी स्किड पेंट हो गया हमारा, इसके अंदर अभी साइड में भी स्किड पेंट हो चुका है, तो ये वाला स्किड भी पेंट कर दिया, पीछे भी स्किड पेंट हो चुका है। पीछे से दिखाते हैं, पीछे से वाइपर वगैरह कुछ है? एक बार अंकल, एक बार आप हटना जरा, अंकल एक बार जरा हटना, एक बार ये पीछे से देख सकते हो। बैक वाली स्किड भी हमने पेंट करी, बाकी ये क्रोमिंग करेंगे नीचे से। हाँ, हो इसी के लिए खुल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको रिमूव करेंगे। हाँ, इसीलिए रिमूव हो रहा है, एक बार निकाल करके दिखा दो कैसे रिमूव होता है। तो अभी इसका प्रोसेस दिखाएंगे, जो क्रोम लगने के लिए पूरे बम्पर निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले बम्पर रिमूव होगा पूरा, रिमूव हो गया, तो अब पूरे इसका सेफ्टी के साथ ही उतारते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही करो। तो अभी लेके जाएंगे वो, और उसमें से जो ब्लैक वाला है वो रिमूव करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी अपने पास एक और Z2 आ रखी है, ये भी Z2 है, इसके अंदर फॉग लाइट LED नीडल है इसके अंदर। ठीक है, ग्रिल के क्रोम डल गया, इसमें भी अभी ऊपर वाला ग्रिल नहीं डला। ठीक है, शॉर्टेज चल रही है, इसके अंदर हमारा भी अलॉय व्हील डलने वाला है, तो ये बिफोर लुक है इसका। हाँ, इसीलिए अभी गाड़ी में जैक लगा हुआ है ना, जैक पे गाड़ी खड़ी है। साइड के फुटरेस्ट लग गया, रूफ रेल लग गया, डोर वाइजर लग गया इसके अंदर, अंदर इसके अंदर हमारा ना सेंटर सॉफ्ट टच हुआ है, फ्लोरिंग हुआ है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जेन्युइन लगा। हाँ, और एक राइट साइड वाली पिलर लगा। ठीक है, तो ये अपने ग्रैब हैंडल्स नहीं आते थे, ये देख सकते हैं ऐसा आता है इसमें, और हमने वो वाला लगा दिया। एक ही सेट लगा है, स्टॉक नहीं था भैया के, तो दोनों तरफ की डिमांड था। ठीक है, स्टॉक की शॉर्टेज हो रही है, स्टॉक की शॉर्टेज हो रहा है, बहुत दबा करके Z2 आ रहा है। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं, अब दूसरी दिखाते रहे। हाँ, दूसरी वाली गाड़ी भी दिखाते हैं। तो ये भी Z2 है जो अपनी बाहर खड़ी हुई है, दिल्ली नंबर है ये। कैमरा लग गया इसका। ठीक है, सेफ्टी गार्ड लग गया, सेफ्टी गार्ड, हैंडल पेंट पे गया हुआ है, तो पेंट के लिए गया हुआ है। स्पॉइलर लग गया, स्पॉइलर इस वेरिएंट के अंदर नहीं आता, वो इंस्टॉल करा हुआ है हमने। सी गार्निश लग गया, सी गार्निश, अलॉय व्हील लग गया, अलॉय व्हील यहीं से लगे। हाँ, फुटरेस्ट लग गया। ठीक है, फुटरेस्ट भी लग गया, रूफ रेल्स लग गया। ठीक है, जेन्युइन लोअर गार्निश पूरा लग गया। अब साइड मिरर की वायरिंग हो रहा है। ठीक है, साइड मिरर की वायरिंग हो रही है। हाँ, साइड मिरर की वायरिंग अंडरग्राउंड जा रहा है, देख सकते हो। ठीक है, ये बार हाथ हटाना, ये देख सकते हो पूरा कपलर के अंदर से जाता है वायर। ठीक है, ये नहीं कि बाहर से हमने, बाहर से कोई भी वायरिंग नहीं, प्रॉपर यहाँ पे कपलर आएगा, वो कपलर अभी यहाँ पे आपको कपलर भी हम दिखाएंगे किस तरीके से कपलर है। आपकी जो दो वायर वाली कपलर है, कपलर कंप्लीट आपको दिखेगा, बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा वायर होगा मिरर के अंदर से डायरेक्टली हमारे स्विच में आएगा, इस कपलर को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो भी दिखाएंगे, पूरी प्रॉपर वर्किंग दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और इनको ना सीट कवर कंपनी लगा करके दिया था। ओके, सीट कवर इनको कंपनी दिया था, बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग करके दिया था कंपनी से। हाँ, नॉर्मल आता है, ये देखो ना, नॉर्मल नॉर्मल फिटिंग करके दिया था, तो इसको हम पकड़ में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये सीट कवर हमारा नहीं, इनको कंपनी दिया था, बट ऐसे फंसा के दे दिया था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, कि आप आगे बकेट करवा सकते हो, चार्जेस देना पड़ेगा। हाँ, इसमें फॉग लाइट भी मेरे हिसाब से लग गया, फॉग लाइट सेंसर LED इसमें हो चुका है। तो फ्रंट से लुक दिखाते हैं, इसमें स्किड प्लेट नहीं है, बाकी फॉग लैंप लग चुका है, ग्रिल चेंज कर रहे हो, टॉप भी क्रोम डलेगा, सब में वो छह लाइन डलेगा, टॉप वाले पार्ट में टॉप वाला क्रोम पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको नीचे के मिल जाएंगे। हाँ, नीचे की स्किड सिल्वर होना इसके अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन रहने वाली है, बाकी ORVM का एक बार जैसे ऑन होता है तो दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ORVM लग रहा है, और जो हमारी मेन गाड़ी रहने वाला है इसमें ORVM नहीं है। ठीक है, जो वो फाइनल हो जाएगी तब उसे कंप्लीट दिखाएंगे। बिल्कुल, फाइनली अपना Z2 का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, फ्रंट से दिखाते हैं अब एक एक चीज़ें जो चेंजेस करे हैं हमने। ठीक है, Z6 तक बना दिया। ठीक है, ग्रिल यहाँ पे ऊपर वाला नहीं डाला गया स्टॉक की वजह से, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक था, बट ग्रिल लुक अच्छा लग रहा है, ये बग डिफ्लेक्टर से मैच कर गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर वाली होती तो और अच्छी लगती, स्टॉक की वजह से लगा बता रहा हूं, अभी स्टॉक में नहीं था। ये स्किड सिल्वर जो मैंने बताया था दिन में। ठीक है, नीचे का स्किड सिल्वर करा हुआ है हमने, यहां पे क्रोम भी पूरा किया गया, इसमें पूरी कंप्लीट क्रोम। ठीक है, क्रोम किट भी आ चुकी है। हां, ओके, अवेलेबल है अपने पास, बाकी फॉग लैंप है अपना कैलिबर के साथ। कई पार्ट ऐसा रहता है जो स्टॉक नहीं रहता, जरूरी नहीं कि सारा पार्ट स्टॉक हमेशा रहे, कई बार कई पार्ट ऐसा भी रहता है जो स्टॉक नहीं रहता। ओके, बाकी ये अपना कैलिबर के साथ वर्किंग है, एक बार दिखा देते हैं। तो ये अभी अपना पार्किंग ऑन है, और अपना फॉग लाइट ऑन करना, ऑन हो चुका है। इसकी ब्राइटनेस तो नॉर्मली रहती है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी LED सेटअप करा हुआ है, एक बार ब्राइटनेस दिखाते हैं इसकी। तो ये ब्राइटनेस रहने वाली है,
तो अभी लाइट सेटअप ज़्यादा है यहाँ पे, तो इतना पता नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तो अगर टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प्स ना लगाओ तो इसमें एलईडी सेटअप कर लो, काफ़ी अच्छा अच्छी रोशनी आता है। अगर आप टॉप मॉडल वाली हेडलाइट डालते तो इसके अंदर रोशनी कम रहती है, ठीक है। तो उससे अच्छा आप एलईडी सेटअप कर लो, और एक बार ऑन ऑफ करके दिखा दो इसका फंक्शन। जैसे हेडलैम्प्स अपने ऑन रहेंगे तो फॉग लैम्प ऑफ कर सकते हो आप, तो ये कैलिबर के साथ वर्किंग है, ठीक है। तो ये फीचर होता है, नॉर्मल कराओगे तो वो पार्किंग के साथ ऑन ऑफ होगा, नॉर्मल वायरिंग के साथ पार्किंग के साथ ही होगा, ठीक है। तो साइड लुक दिखाते हैं एक बार, साइड लुक में आ चुके हैं अब। साइड लुक में क्या क्या चेंजेस करें, जे गेट वाली लुक, ठीक है। साइड लुक से आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये जेड टू थी, जे गेट की अलॉय के साथ पूरी जे गेट वाली लुक, ठीक है। तो ये 17 इंचेस वाले, हाँ 17 इंच सेम टायर में लग जाते हैं, इन्होंने फुटर सेफ्टी मार्जिन लगवाया है, तो ये इतना अच्छा लग भी नहीं रहा। उनको अपने चाहिए था आफ्टर मार्केटिंग चाहिए था, तो उन्होंने स्कॉर्पियो इनका ही प्रॉपर मोबाइल, तो अपने पास अवेलेबल हो चुका है आफ्टर मार्केट भी। हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं है, बट जिसको चाहिए होगा हम अवेलेबल करवा, हम प्रेफर करते हैं कि जेन्युइन महिंद्रा ही इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये फुट रेस्ट हो गया, नीचे का ये सिल्वर करा था हमने, ये सिल्वर करा था हमने, क्रोम किट में ऐड ऑन हो गया, क्रोम किट पूरी, क्रोम किट अपना बोल्ट सिस्टम वाला है, कहीं नहीं उखड़ेगा ये, कुछ भी नहीं होगा, कोई पेस्टिंग है, ठीक है। वाटर लीकेज का कोई इशू नहीं रहेगा, तो सी गार्निश तो अपनी पेस्टिंग ही होती है, ठीक है। तो ये रहने वाला है, बाकी बैक प्रोफाइल से दिखाते एक बार, वाइपर की कमी रहेगा, ठीक है। बैक लुक से वाइपर की कमी है, वैसे तो ऑलमोस्ट बनी गई थी Z6 फ्रंट से, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको वाइपर वर्किंग करवाना है तो करवा सकते हो। डिफॉगर भी, बिल्कुल डिफॉगर के लिए आपका ग्लास चेंज होगा, पूरी इन स्टॉक है, स्पॉइलर हमारे लग गए टॉप मॉडल वाले, ठीक है। स्पॉइलर लग चुका है, तो क्रोम अपना इंस्टॉल हो चुका है जो हमने दिखाया था, हमने बम्पर कैसे रिमूव, फिर अपना ABS गार्ड हो गया, ठीक है। इधर कैमरा लग गया है, कैमरा भी इंस्टॉल हो चुका है, और एक पीछे से हैंडल डाला गया है, ये वाला हैंडल आपको मॉडल वाला, ये ठीक है, एक ही पीस था, एक ही पीस डाला गया, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन ये पेंटेड भी नहीं आते, तो पेंट करे हुए हैं हमने, ठीक है। तो बैक प्रोफाइल में जो हमने मॉर्निंग में दिखाया था ब्लैक आता है पीछे की गार्निश, वो अब हमने क्रोम वाली कर दी है, ठीक है। अब Z4 से ही मिलती है ये, ठीक है। बैक से बस इतना ही, ये प्रोटेक्टर, ठीक है। तो एक बार अंदर से चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। सो इंटीरियर में आते हैं, अब इंटीरियर में चेंजेस क्या क्या करें, सॉफ्ट टच, ठीक है। सॉफ्ट टच जैसा हम करते हैं, पियानो ब्लैक प्लेट लगा हुआ है इसके अंदर, और ये पेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा ब्लैक ब्लैक ही आता था, मैट ब्लैक में, और ये वाली प्लेट हमने चेंज करी। अगर ऑप्शन है कि इसको पियानो ब्लैक चाहिए स्विचेस, अगर हमारा ORVM लगता तो स्विच भी लगता है, ठीक है। इधर स्विच लग सकता था अगर ORVM हम करवाते, और सैश भी अवेलेबल है अगर चाहिए तो, ग्रैब हैंडल हो गया हमारा, ठीक है। ग्रैब हैंडल ही तो मेन है, ठीक है। ये भी इंस्टॉल कर दिया हमने, बाकी अंदर से उस साइड से दिखाते क्या क्या कर। तो इंटीरियर में आ चुके हैं, इंटीरियर में सबसे पहले आपको सीट कवर दिखाएंगे हम, ठीक है। ये सीट कवर की क्वालिटी रहने वाली है, तो ये इंस्टॉल करा है हमने मॉर्निंग में, दिखाया था इसमें थ्रेड के ऑप्शन बहुत है, ठीक है। तो ये वाला हमने सिल्वर वाइट सिल्वर स्टिचिंग में करा हुआ है, बाकी एक ब्लैक वाला भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये हमारा बीच में पियानो ब्लैक हो गया, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है ये वाला सिल्वर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे टॉप वेरिएंट्स के अंदर है। इधर स्पीकर लगाना चाहते हो वो भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सोनी वाला स्पीकर है उससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी तो वो पीछे वूफर ही है, कहने वाली बात है। वोकल जिसको चाहिए उसके लिए सामने अच्छी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो लगवा सकते हो, वैसे पीछे वूफर का भी अगर लगाओगे सेटअप तो काफ़ी अच्छी साउंड हो भी जाएगी। स्टीयरिंग कवर हमारा इसके अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। स्टीयरिंग हमने स्टिच करा हुआ है, बाकी ऑप्शन है आपके पास पियानो ब्लैक भी लगवाना है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो। सेंटर सेंटर कंसोल अपना ये भी हमने इंस्टॉल करा, सॉफ्ट टच। तो हमारी सॉफ्ट टच की क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्कुल जो OEM आता है टॉप वेरिएंट में सेम वैसे ही है फिनिशिंग में, बिल्कुल ठीक है। तो अंदर का एक बार ये वाला देख सकते हैं आप, तो Z2 में तो काफ़ी अच्छा ही लगता है ये करा हुआ पियानो, बिल्कुल। और कैमरा की क्वालिटी दिखा रहा हूँ, कैमरा की क्वालिटी दिखाते हैं एक बार। तो सेम इन्फोटेनमेंट सिस्टम में कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है, तो ये क्वालिटी रहने वाली है अपनी कैमरे की, तो अगर आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ब्राइटनेस वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो चामुंडा भैया इसमें और क्या क्या करा अभी, बस यही था? हाँ बस यही सारा काम था। नीचे मैटिंग हमने जो करी हुई है वो ब्राउन ही करी हुई है, फ्लोरिंग अपनी ब्लैक है, हाँ ब्लैक, ठीक है ब्लैक करी हुई है। बाकी
ऑप्शन और भी है फ्लो मैटिंग की, अगर ब्लैक करवाना चाहो तो ब्लैक भी करवा सकते हैं। और जिस भाई को अगर काम अच्छा लगे तो आप रामा रोड पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर करोल बाग अगर आप आते हो काम करवाने के लिए तो करोल बाग में भी हमारी जेडो के नाम से दुकान है। ठीक है, वहाँ पे भी शॉप है। करोल बाग सूटेबल अच्छा लगता है तो वहाँ पे आप आ सकते हैं हमारी शॉप पे, नहीं तो रामा रोड आप बिल्कुल टेंशन फ्री आ सकते हैं। जिसके नियर बाय पड़ता है करोल बाग वो वहाँ आ सकते हैं, रामा रोड आ सकते हैं। रामा रोड में आपको काफी अच्छा वर्क स्पेस मिल जाएगा, आपकी गाड़ी अंदर अच्छे से पार्क होके काम हो जाएगा उसका। तो एक बार कस्टमर का भी फीडबैक लेते हैं। बिल्कुल, तो फाइनली अपनी Z2 का काम कंप्लीट हो चुका है और अपने साथ कस्टमर है, उनका नाम जानते हैं। मेरा नाम विजय है, तीसरी गाड़ी है जो हम समुदा भाई के पास लाए हैं अपडेट कराने के लिए। ठीक है, पहले कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? पहले हमें यूट्यूब के थ्रू ही पता चला, उसके बाद फिर इनसे बात हुई और हुई। जैसा वीडियो में शो करते हैं वैसा काम था यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, कभी तीसरी बार है ये बात। तो जैसा हम वीडियो में शो करते हैं महिंद्रा प्रोडक्ट इनके पास थे? हाँ बिल्कुल, महिंद्रा प्रोडक्ट थे। जो चीज़ तो आप कुछ चीज़ें मिसिंग है इस बार, मतलब Z2 अब लग रही है आपको देखने में ऐसे? ठीक है, Z8 में लग रही है। बाकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ 10 में से आप कितने लोगे? 10 में से 9 रेटिंग होगा, 8 रेटिंग इसलिए कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। टाइम का टाइम को है, काम को होता है तो टाइम लग भी जाता है। टाइम के मामले में आपने एक नंबर काटे, काम के मामले में नहीं, काम के मामले में नहीं काटे। उसमें कितने नंबर दोगे? उसमें फुल 10 out of 10। उसमें 10 out of 10। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था? 1% का कई बार मैंने बोला ही है कि हमारे पास हमेशा टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा था और आज तीन Z2 तो तीन Z2 में सारा काम था। सबसे बड़ी बात होता है इसका रूफ रेल्स लगाना। ठीक है, वो काफ़ी टाइम लेता है, लगाने के लिए काफ़ी 3 से 4 घंटे लगता है। छत खोल के पूरी तरीके से फिर करना, एक एक रूम फिक्स करना पड़ता है, एक एक होल गैप कवर करना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। और तीन गाड़ी के रूफ रेल लगाने का मतलब समझ लो कि हमारा ऑलमोस्ट Z2 में बहुत काम आते हैं तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। Z2 अभी नई गाड़ी है, अभी धीरे धीरे लग रहा है, हाथ से जा रहा है। पहले तो एक गाड़ी में हमारा हालत खराब हो जाता था, दिन में Z2 में 8-3 हमने करके दे दिया सेम को, आने वाला टाइम में हम 5-6 भी Z2 में देखो करा देंगे। ठीक है भैया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड हूँ। तो भैया चौथी गाड़ी कब लेके आ रहे हो? दोस्तों के साथ। बाकी यही थी आज की वीडियो, आई होप सो अच्छी लगी होगी। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।